रोदा शाद रहे माँ का साया भी पास रहे वैसा पल्ले हो तो दुश्मन बन जाए बेली संगी खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बरंगी मन रंग लैके दे विच यार के दुनिया रंग बरंगी डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग मेरा फैसला वही है जो सदान की वोटी के बारे में था जज्बात की वजह से तुम्हारे जज्बात करते हैं उन लोगों लैला घर छोड़ के जा रही है मेरी पत्नियों की इस कार में नहीं आया ये मेरी बेटी का कार है ऐसे ना अनिला आप बिल्कुल ठीक कहती तो किसी को परवाह ही नहीं है सबसे पहले आते हैं बेटे फिर आती हैं बहुएं और फिर से कहीं आती हैं बेटियां क्या हुआ सुबह सुबह अनिल आ पाई है क्या नहीं जोया ओ अच्छा शोर और हंगामा सुन के मुझे ऐसा लगा कि अनिल आ पाऊंगे अभी तो तुम्हें लग रहा है ना तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि जोया नहीं है अनीला है अनीला पार्ट टू क्या मतलब ये थी सिचुएशन तुम्हें बताओ मैं क्या करता खैर किरने को अब भी बहुत कुछ किया जा सकता था सदन जरूरी नहीं था कि ये शादी 2-3 दिन में हो जाती और तुमने जैसे सज्जाद भाई को आसिम भाई को अपने कॉन्फिडेंस में लिया उनसे इतना बड़ा काम करवा लिया तुम उनके थ्रू हाजरा भाभी को भी कन्विंस कर सकते हो बल्कि तुम सब घर वालों को शामिल कर लेते अब्बा जी को अम्मी जी को और मेरा वेट भी कर लेते मैं होता जोया होती हम सब मिलकर नहीं प्रेशराइज करते तो ये कैसे नहीं मानते नहीं जानते अम्मी को बस उन पर प्रेशर डाला जाए तो वो बजाय सॉफ्ट होने के अपनी जिद पे और पक्की हो जाती चलो जो होना था वो हो गया अच्छी बात ये है कि तुम बुजदिलों की तरह छुपा के नहीं रहते वरना तुम्हारी जान सूनी पटकी रहती तुम्हें खौफ रहता कि आज खुल जाएगी बात कल खुल जाएगी बात अच्छा किया तुमने कि सीधे तरीके से उसे घर ले लेकिन सदा मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें लगता है कि अफरा के यहाँ आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाए क्यों नहीं होगा ठीक क्यों नहीं होगा क्या ऐसे ही सलूक करते रहेंगे इसके साथ तुमने खुद कहा ना अभी कि हाजरा भाभी अपनी जिद से एक इंच पीछे नहीं होगी चाहे सब घर वाले मिलके साल का जोर लगा रहे सदान तुमने उनकी जिद को और मजबूत किया है चैलेंज किया है तुमने क्या तुम्हें लगता है कि अफरा यहाँ रहने के बाद इन सब का दिल जीत पाएगी दिल तो जीत चुकी है बहुत सब्र है साथ उसे इतना कोई जीतने की ख्वाहिश नहीं है ना भी जीते है सब उसे कबूल कर ले और इस बात को भी कि अफरा की मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा चाहे मुझे कोई धमकी दे या मुझसे कोई नाराज हो अगर आप लोग उसे इस घर में जगह नहीं दे सकते नहीं। मेरे दिल में अफरा के लिए बहुत जगह है और यही उसके लिए काफी है इस घर में थोड़ी सी जगह
इज्जत के साथ तो उसको दी जा सकती है ना, इतना तो मेरा हक है ना, बताओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम बेफिक्र रहो, मैं भी हाजरा भाभी को कन्विंस करने की कोशिश करूँ, लेकिन अभी नहीं, वक्त और उनका मूड देख। बहुत उम्मीदें थी मुझे पप्पो से कि आएंगी, चीजें हैंडल करेंगी। यार अगदस, तुमने पप्पो का क्या हुलिया बनाया है? मैंने मैंने किया और किसने करना था? हमने तो प्यारी सी, खूबसूरत सी, मासूम सी पप्पो तुम्हारे हवाले की थी, एक डेढ़ महीने में तुमने उनका क्या हुलिया बना दिया है? अरे मेरे भाई, बट या यू आर राइट, डोंट वरी, सब कुछ हो जाएगा यार। दो घंटे हो गए जोया को गए, पर सर के दर्द को आराम नहीं आया। कहती थी मैं मियां जी आपको, ये हाजरा की सहेलियों में ना शादी करो सोया की, सारी की सारी कपत्ती हैं। कैसी अच्छी तरबियत की थी मैंने सोया की, कैसी बीबी बच्ची थी, बस फसिया की बहू बनी नहीं, सारी माँ की सिखाई पढ़ाई भूल गई, उसी के रंग में रंगी गई। सासुर डाल दो, कमाल हो गया। सुना था बेटियां माँ बाप के दिल की ठंडक होती हैं, उनके दुख दर्द हल्के करती हैं। यहाँ स्यापा पड़ा हुआ है, उसको चाहिए था कोई हमारे गम हमारे दुख हल्का कर दिया गया, भाइयों को समझा दी, खुद ही रुस गई, खुद ही रो पड़ी, खुद ही चली गई। अब सुबह मनाने भी जाना पड़ेगा। ये ले, पहले शफीक का फोन आ गया, खबर उधर भी पहुंच गई है, लोग ताने देते होंगे, वही खतरा खतरा। मैं नहीं सुनना ना, कोई बात तो करके देखी शफीक ऐसी वैसी, खुद तो जाकर वहां बस गया अंग्रेजों के साथ, काफिर अंग्रेजों के साथ जिनको किसी चीज की परवाह ही नहीं है। लैला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या हुआ था रात को, अब्दुल्ला क्यों इतना रो रहा था? कॉलिक है ना, पेट में दर्द थी। अरे तो मेरे पास ले आना था ना। क्या जैतून बानो, तूने अपनी मशहूर जमाना बनाई हुई फक्की खुआ देनी थी उसे। नहीं चाचा जी, चाची बड़ी अच्छी मालिश करती हैं। जब सदान और शहना छोटे थे तो इनके पेट में दर्द होता था तो मैं ले आती चाची के पास, चाची तेल मलती थी, सुकून में आ जाते थे बिल्कुल। ठीक है अम्मी जी, अगली दफा आपके पास ही लेके आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप उतर आओ, नाश्ता करो, बैठो। मैंने तुझे कितनी दफा कहा कि इसको मेरी नजरों के सामने ना लेके आया कर। मैं इसे कमरे में बंद करने तो नहीं रहा। अच्छा, मेरे सर पे नचाने के लिए लेकर आया फिर तू इसे?
हैं? क्या समझता है तू, तेरे दादा ही नहीं और तेरे अब्बा ही नहीं तुझे इजाजत दे दी है तो तू मेरे सर पे चढ़ जाएगा? तेरा दो दिल चाहते तू कर लेगा, तू जलाएगा मुझे हैं? मुझे एहसास दिलाएगा कि इस घर में मेरी कोई अहमियत नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। मैं और सादान बिल्कुल भी आपको नीचा नहीं दिखाना चाहते। वो तो मैंने सादान से कहा था कि कब तक गैरों की तरह ऊपर अकेले नाश्ता करती रहूंगी, इसलिए अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। सादान तुम अपनी अम्मी के साथ नाश्ता करो, मैं कर लूंगी। दिल छोटा नहीं करते। दिल छोटा नहीं किया चाचा, दिल बहुत बड़ा किया, तभी तो सर नीचे करके आपकी सारी बातें मान ली। ठीक है आप रख ले इसको घर में, सदान की बीवी भी मान ले, पर मुझसे ना रखे, इससे ज्यादा उम्मीद ज्यादती होनी है ये। अरे अरे आजरा शर्म कर, सारी जिंदगी मियाँ जी ने हथेली का छाला बना के रखा है, इस घर में जो सियाह सफेद होता है उसका मालिक बनाया, अब जरा सी बात तो ज्यादती कह रही, सारा कुछ ना खूह में डाल दिया तुमने। हाजरा अब वो घर में रहेगी तो घर वालों की तरह ही रहेगी ना। मैं कुछ कहूंगी तो फिर सबको बुरा ही लगना है। आसम भी तो इसी घर में रहता है ना, तो फिर उसका नाश्ता क्यों गया है गेस्ट रूम में? आसम को इजाजत नहीं है हम सबके साथ बैठने की, क्योंकि लैला को बड़ी तकलीफ होगी। तो मैं नहीं हूं इस घर की बड़ी बहू, मुझे नहीं तकलीफ होती, मेरे मुकाबले में ला के इस लड़की को खड़ा कर दिया। आसम रह सकता है गेस्ट रूम में तो ये नहीं रह सकती। नाश्ता आराम कर दिया। सदा हो अपने प्यार की हसीना, प्लीज प्लीज अल्लाह का वास्ता है। क्या करूं, मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जाती। तो टीवी देख लो तुम। आपको ना देखो। नहीं, क्योंकि तुमसे देखा नहीं जा रहा है। अल्लाह, वही कल वाली शर्ट पहनी हुई है आपने, कैसी मैली हो रही है। आप अपने कपड़े यहाँ ले आए, मैं धो भी दूंगी और प्रेस भी कर दूंगी, वहां कौन ख्याल रखता है। नहीं नहीं अब ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मैं जल्दी में निकला था इसलिए मैंने यही वाली शर्ट पहन ली। मुझसे झूठ मत बोलें, आंखें देखिए अपनी कैसे हल्के पड़ रहे हैं, रातों को सोते नहीं है आप, और रंग भी कितना पीला हुआ है, जैसे पता नहीं कब से पेट भर खाना ना खाया हो। बस मैंने कह दिया आप अपने कपड़े लेकर आ जाएं यहाँ पर, सुबह ऑफिस जाते हुए नाश्ता भी इधर कर लिया करें, और रात का खाना भी मैं आपकी पसंद का बना दूंगी। रियली तुम क्या चाह रही हो, मैं उस घर से अपना नाता तोड़ लूं? ये मतलब तो नहीं, लग तो यही रहा है कि तुम मौके की तलाश में थी कि वहां धागा कच्चा पड़े और तुम अपनी डोरी खींच के मुझे यहाँ कर लो। लिल्ला मेरी नियत में ऐसा कोई फतूर नहीं है। भला क्या हैसियत, मैं कौन होती हूँ आपका नाता वहां से तोड़ने वाली? मैं तो बस कुछ सुकून और आराम पहुंचाना चाहती हूँ आपको बस। मैं परेशानी में गुस्से में न जाने क्या कुछ कह देता हूँ, तुम प्लीज दिल पे मत लिया करो। आई एम वेरी सॉरी। आपकी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगती। देखो इसमें तुम्हारी भी इज्जत है, अगर इस सिचुएशन में मैं अपने घर और घर वालों को छोड़ देता हूँ तो उसका कसूर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ठहराएंगे। वो बहुत नाराज है मुझसे, बहुत गुस्से में है, मैं उनको और तैश नहीं दिलाना चाहता। हाँ कभी ना कभी तो वो मुझे माफ करेंगे ना कभी तो उनका गुस्सा ठंडा होगा, लेकिन उसके लिए मुझे उनके साथ रहना है। चलो अब मैं
मैं चलता हूँ। ऑफिस से वापसी पे तो आएंगे ना? मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, कॉल करके बता दूंगा। ओके जहाँ से बेनियाज हूँ, किसी पे जो न खुल सके। आए शफीक, की पसूड़ी पाई है ये? ना दिन को चैन है तुझको, ना रात को। तो क्या हुआ है, सवेरे सवेरे क्यों फोन किया तू? अब्बा जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। कल भी आपने मेरी कॉल पिक नहीं की, अब तो मेरी सुन ले। ओए पता है मुझे, पता है क्या बात करनी है तूने? मैं सब जानता हूँ तुझको। विलायत खबर पहुंच गई होगी पर तुझे क्या परवाह है? तू तो काफरों के मुल्क में रहता है, क्या इतराज है तुझको? ये कोई मौका है मुझे काफिरों के देश में रहने का ताना देने वाला? मेरी सुन तो ले। ओ क्या सुनूं मैं, किसके ताने देने हैं तूने? सदान के? पुत्र जी, सदान तो मेरी सख्त तरबियत में पला पड़ा है, फिर भी उसने चन चढ़ा दिया। तू अपने बच्चों की खैर कर। बाहर की हवाओं में पल रहे हैं, बाहर की हवाओं में। उनकी आंख में न दीद है, न शर्म है, न लियाद है, पता नहीं क्या चंद चढ़ाएंगे वो। पुत्र मैं जानना देलू। हाँ क्या मतलब, क्या करेंगे? और मैं सादान की बात क्यों करूंगा? मैंने तो आपसे एक और बात करनी थी अब्बा जी। और तू की कहना, क्या कहना चाह रहा है? आसम की बात करेगा तू? और शफीक, मैं तेरी रख से बात। और तू तो डेढ़ नंबर ज्यादा लेता था, सारे मोहल्ले को बताता था कि भाइयों ने डेढ़ नंबर कम लिया है। अब क्या चाहता है, जिताना चाहता है? तू बहुत अच्छा है, आसिम अच्छा नहीं है? ओए आसिम तो मेरे सामने है, इधर उसका भांडा फूट गया। तू वहां विलायत में रहता है? पता नहीं क्या क्या करता है तू उधर, और रौला पाया हुआ है तूने। मैं सारा जानना तुनू, मैं तेरी रग रग तो भागूंगा। कभी सादान कभी आसिम, आप मेरी बात सुनेंगे या नहीं? ओ नहीं सुननी चाहिए बात, नहीं सुननी। ताने देने हैं तूने? यहाँ ताने देने वाले बहुत हैं खानदान के। कोई कारा रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई मतलब ले, नहीं सुननी तेरी बात, नहीं सुननी। जिया ये क्या हरकत, ये कोई तरीका है अपने पेरेंट्स और अपने बड़े भाइयों से बात करने का? मैं उस वक्त गुस्से में थी और आपने ये नहीं देखा कि उन्होंने किया क्या है? मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं था, ऐसे कोई सोचता भी नहीं था, और अब देखिए उन्होंने क्या किया है। मेरी बात सुनो, मैं उन सबको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। तुम क्या बता रही हो मुझे इस घर के माहौल के बारे में, उन लोगों के बारे में? और मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हें पसंद करके नहीं की थी, मुझे उस फैमिली से लगाव है। और अब उनकी हरकत देखकर आपको, आपके दिल में उनके लिए जरा सी भी इज्जत नहीं? तुम ऐसा क्यों समझती हो कि इज्जत कोई इतनी नाजुक चीज है जो छोटी मोटी गलतियों से खत्म हो जाए? सादान ने और आसिफ भाई ने जो कुछ किया, तुम्हारा अपसेट होना, तुम्हारा नाराज होना बनता था, लेकिन तुमने ओवर रिएक्ट किया। आई मीन देखो, ये उनकी लाइफ है यार, हम उन्हें समझा सकते हैं कि वो कहाँ सही है और कहाँ गलत, लेकिन यूं लड़ना झगड़ना। आपने ये नहीं देखा कि मेरे ऊपर कितना बड़ा शॉक लगा है, मेरी ज़हनी हालत क्या होगी? वो लोग भी वहाँ खड़े होके सिर्फ मुझे देख रहे हैं, समझा रहे हैं मुझे, और जब से मैं घर आई हूँ आप ही मुझे ही समझा रहे हैं कि तुम्हारी गलती है, तुमने ही ओवर रिएक्ट किया है, सब कुछ मैंने ही किया है। जैसे आप जरा सोचिए, जब फिसी आंटी को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे, कैसी लड़की है, कैसा खानदान है? वो ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगी। हमारी शादी से पहले से वो इन लोगों को जानती है,
अगर उन्होंने किसी को बुरा कहना होगा तो वो सादान को यासी भाई को कहेंगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि मुझे पहले से ही नापसंद करती है, पता है मुझे। ये शादी सिर्फ इसीलिए हुई है क्योंकि आपने मुझे पसंद किया था और क्योंकि आपने जिद लगाई रखी थी, वरना यहाँ मुझे कोई पसंद नहीं करता। जब से मैं आई हूँ मुझे हर कोई टोकता रहता है, ये कैसे कपड़े पहने हैं, इसकी क्या तालीम है, कैसी लड़की है, ये क्या है, इसकी शक्ल और सूरत सब पता है मुझे। मैंने अपने आप को कितना चेंज किया है, मैं अपने घर वालों का क्या करूँ, आसिफ का, सदान का मैं क्या कर सकती हूँ। मैं वलीद की शादी के बारे में बात करना चाह रहा था। वलीद की शादी? मैंने ये बच्चा इसलिए गोद लिया था कि हमारी वीरान जिंदगी में जो कमी और महरूमियां हैं वो दूर हो सके। मैं इसकी माँ और तुम इसके बाप हो, लेकिन लगता है तुम्हें अपनी औलाद चाहिए थी। मैं तो बस इसलिए इंतजार कर रही थी कि आप घर आ जाते तो मैं आपको बताती कि मेरी तबीयत कितनी खराब है, डॉक्टर के पास जाना है मुझे। खैरियत? क्यों, क्या हुआ है? ओहो, तो ये बात है, ये सब कुछ हो रहा है वहां, तभी अब्बा जी मुझसे बात नहीं कर रहे। कहीं मैं असल बात ना जान लूं या बातों बातों में वो खुद ना उगल दें। घर की बातों में मुझसे पर्दे रखे जाते हैं, गैर हूं ना। भाई जान, आप तो ठहरे परदेसी, आंख ओझल पहाड़ ओझल, सोच सकते हैं मुझ पे क्या गुजरती है। मैं तो रहती हूँ यहाँ, हफ्ते में 4 दफा चली भी जाती हूँ, लेकिन मजाल है तौबा, सब ने इस तरह से काटा हुआ है। और सजाद भाई, वो तो हवा तक नहीं लगने देते। बड़ा एक्का है तीनों भाइयों में, ओ दो दो बराते निकाल दी, किसी को पता तक नहीं चला। हमेशा उन तीनों की तारीफें कर कर के मुझे सुनाते थे, हमेशा उनको मुझ में ही खराबियां नजर आती थी, इसीलिए तो मुझसे कतराते फिर रहे थे। हालांकि मैं तो कुछ जानता ही नहीं था, और अगर मैं जान भी गया हूं अभी तो मुझे क्या जरूरत है किसी को ताने देने की। ये सब वहां होता है, हम लोग इन फिक्रों से आजाद हैं, अपनी सादा जिंदगी जीते हैं, ना किसी के मामले में दखल देते हैं, ना किसी की टोह रखते हैं। मैं तो एक जरूरी बात के सिलसिले में अब्बा जी को कॉल कर रहा था। जरूरी बात? अनिला, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके बारे में भी कुछ सोचना है मुझे, कुछ फैसले करने हैं जो कि अब्बा जी के बगैर नहीं हो सकते। मैं वलीद की शादी के बारे में बात करना चाह रहा था। वलीद की शादी? उसके रिश्ते के सिलसिले में मैं पाकिस्तान आना चाहता हूं। ठीक से करना, सही तरह रंग भर। वीना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है ये। माफ करना आसिम भाई, आपकी सिफारिश करने का मतलब है कि मैं आपकी हिमायत कर रही हूँ। नहीं नहीं, आप बिल्कुल भी मेरी हिमायत नहीं करना, ना ही मुझे उससे माफी दिलवाने की बात करना, बस उससे ये बात कर लेना कि मैं उससे बात करना चाह रहा हूँ बस। बात तो एक ही है, आपने भला कौन सी नई बात करनी होगी? यही कहना होगा ना कि आपकी दूसरी बीवी को खुले दिल से तस्लीम कर ले, इस घर में रहने के लिए इजाजत दे दे, या फिर जायद की पढ़ाई हुई पट्टी उसके सामने दुरानी होगी कि मैं दोनों में बराबर के हकूक दूंगा, दोनों में इंसाफ करूंगा। ठीक से करना, ये बेइज्जती ना कराएं टीचर के आगे। बात ये आसिम भाई, इंसाफ करना होता है ना वो इंसान के बस में ही नहीं होता, इंसाफ सिर्फ अल्लाह की जात कर सकता। पर चलो, आप इंसाफ कर भी लेते हैं, दोनों को बराबर के हकूक दे भी देते हैं, दोनों को बराबर की मोहब्बत दे सकते हैं, नहीं ना? हाँ, तुम सच कह रही हो रुबीना, मैं लैला और हसीना को एक जैसा प्यार कभी नहीं दे सकता, और ना ही दोनों को अपने दिलों में एक जितनी जगह भी, क्योंकि मैं जितनी मोहब्बत लैला से करता हूं, जो मुकाम उसका मेरे दिल में है, वो हसीना जिंदगी भर नहीं पा सकती। हाँ रुबीना, मैं एग्जैक्टली उसको यही बात बताना चाहता हूं,
میرا اس کا جو رشتہ ہے نا وہ رشتہ تقسیم ہوا ہے دو عورتوں میں، لیکن میرا اس کا جو تعلق ہے، جو محبت ہے ہمارے درمیان، وہ کبھی بھی نہیں بٹ سکتی، اس کے دو حصے دار کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اچھا ٹھیک ہے، کہوں گی اسے آپ کی بات سنو، پر میں وعدہ نہیں کرتی، نہ ہی اسے مجبور کرو. بات سمجھنے کی کوشش کرو، آگے بیچاری اتنی پریشان ہے، سب مل کر اس پہ دباؤ ڈالیں گے تو رہنا ہی مشکل ہو جائے گا اس کا اس گھر میں. تھینک یو، تھینک یو. سنا تمہارے شفیق بھائی آ رہے ہیں باہر سے، اور تم نے انہیں فون کر کے کہا ہے کہ یہیں پہ رہیں تمہارے گھر. ہاں بھائی ہیں میرے، کیوں نہیں کہہ سکتی، حق نہیں ہے میرا. میں ہم نے بزرگوں سے سنا ہوا ہے کہ غیرت مند لوگ، عزت دار، شریف لوگ بہنوں کے گھر سے پانی تک نہیں پیتے ہیں. ہاں تو میرے شفیق بھائی بھی کون سا بہن کے گھر کا پانی پی رہے ہیں یا ماں باپ کا، وہ تو منرل واٹر پی رہے ہیں. میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا اسے سوجی کیا، وہ جرمنی سے آئے گا تو اپنے ماں باپ کے گھر چھوڑ کے بہن کے گھر پہ رہے گا، میں مان ہی نہیں سکتا. یہ یقیناً تم نے ہی زور دیا ہوگا. ہاں میں نے زور ڈالا، بڑا اصرار کیا میں نے کہ ہمارے گھر میں رہیں. ذرا سوچو، مطلب وہ وہاں پہ میرا بےچارہ پردیسی بھائی محنت مشقت کرتا ہے، یہاں آئے گا اگر امی ابو کے گھر پہ رہے گا تو پاگل نہیں ہو جائے گا، وہاں کے تو سیاپے ہی نہیں ختم ہوتے. سوچو ذرا، ماں بیٹے کا جھگڑا، باپ بیٹے کا جھگڑا، بہنوں بھائی کا جھگڑا، بھائی بھائی کا جھگڑا، اوپر سے سادان کی نئی دلہن اور آسم کلنک کا ٹیکا، وہ حسینہ دوسری بیوی. اپنا ذکر بھول گئی تم؟ تمہیں پتہ ہے یہ جو پردیس میں رہتے نا لوگ، کو بڑی پرامن زندگی پسند ہے، اس سے بہتر نہیں کہ وہ ہمارے گھر میں رہیں. ماشاء اللہ ہے، امن سکون کی آغوش، محبت کی چہکاریں، شانتی شانتی. یہ سارا کچھ کہاں ہے بھائی؟ بحث ہی کرنا، میرے میکے سے کون آیا یہاں بتاؤ. تو میرے میکے سے کون آتا ہے یہاں رہنے کے لیے؟ اس لیے کہ تم نے پابندی لگائی ہوئی ہے، اب تمہارا بھائی آگے میری چھاتی پہ بیٹھ جائے تو یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اور تم ہیں بحث پہ بحث، یہ کھلا فساد نہیں ہے؟ میری بات سنو، مان لو، مان لو علاؤدین، تم ایک کم عقل آدمی ہو اور تمہاری بیوی ایک دور اندیش لڑکی. ایک تو دور اندیش، اوپر سے لڑکی، اس پر یہ ضد کہ میں مان بھی جاؤں. آلو کچھ نہیں کر رہی، میری بات سنو، شفیق بھائی یہاں پہ ولید کا رشتہ کرنے آ رہے ہیں. کس سے پوچھا تھا میں نے، کہہ رہے تھے انہوں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا. اب میری گیم سمجھ آ رہی، میں چاہتی ہوں کہ وہ ادھر ہمارے پاس رہیں. میں پاگل ہوں؟ شفیق بھائی وہاں امی ابو کے گھر رہے ہیں، وہاں پہ تو حاضرہ بھابھی نے فوراً شانہ کے رشتے کی بات کر دینی ہے. دیکھو وہ یہاں پہ رہیں گے، رمنا رمشا کو دیکھیں گے، انشاءاللہ ماشاءاللہ. میں تو یہی چاہتی ہوں نا کہ ہماری ایک بیٹی کی شادی ولید سے ہو جائے، باہر رہے گی، عیش و عشرت کی زندگی گزارے گی، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ شادی میں زیادہ خرچہ نہیں ہوگا، بچت کی بچت. اور جہیز بھی کم دینا پڑے گا. اب مانو ہے تمہاری بیوی دور اندیش لڑکی کے نہیں؟ دور اندیش کی حد تک ٹھیک ہے. میں نے جب یہ کلاس میں ایکسپلین کیا نا، ٹیچر تو حیرانی رہ گئی. ان کا ماننا تھا کہ فرسٹ سیمسٹر میں کسی اسٹوڈنٹ کے پاس اتنی ساری نالج ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میرے اسائنمنٹ نے دھوم مچا دی ہے. یہ تو ہونا ہی تھا، جس چیز میں انسان کا انٹرسٹ ہونا اسی میں اس کی قابلیت ابھر کے نکلتی. یہ تو ہے. جاگ رہی پتری؟ ارے دادا جی آپ، کوئی کام تھا؟ ایک کپ چائے چاہیے تھی لاچی علی، میں نے سوچا بچی میری جاگ رہی تو اس کو تکلیف دیتا. ارے دادا جی اس میں تکلیف کی کیا بات ہے، بھابھی کے لیے اور اپنے لیے ویسے بھی میں بنانے جا ہی رہی تھی، آپ کے لیے بھی بنا دیتی ہوں. دیکھ پتر، بڑوں کی بات کا برا نہیں منا لیا، ٹھیک ہو گیا، جیندے رہ جیندے. Thank you.
वो मुझे आवाजें आ रही थी, अब्दुल्ला रो रहा था ना, क्या हुआ है? रो रहा था नहीं, रो रहा है, आई विल हैंडल इट, डोंट वरी। मेरा भी बच्चा है, मेरा पूरा हक है उस पर। लैला तुम यहां से इसलिए नहीं गई ना क्योंकि तुम रुबीना को उसके बच्चे से महरूम नहीं करना चाहती थी, तो मेरे मामले में तुम्हारा दिल इतना सख्त कैसे हो सकता है? मुझे इस बच्चे से महरूम क्यों रख रही हो? मैंने ये बच्चा इसलिए गोद लिया था कि हमारी वीरान जिंदगी में जो कमी और महरूमियां वो दूर हो सके। मैं इसकी माँ और तुम इसके बाप हो, लेकिन लगता है तुम्हें अपनी औलाद चाहिए थी, तो अपनी ये कमी और महरूमी दूर करने के लिए तुमने कर ली ना दूसरी शादी। एक बात कान खोल के सुनो, ये बच्चा सिर्फ मेरा है, तुम अपनी हसरतें वहां जाके पूरी करो। लैला प्लीज, लैला आप आ जाए, मैं बस जाने वाली थी, अब तेरी नाश्ता बनाने लगती। सदान बाहर ही नाश्ता करेगा सबके साथ। जी मैं जानती हूँ, सदान बाहर ही नाश्ता करेगा सबके साथ, मैं अपने लिए नाश्ता बनाने आई थी। मैं कमरे में मेहमानों की तरह बैठी रहती हूँ, शाइना बार बार मेरे लिए नाश्ता लेके आती है, मैंने सोचा कि मैं अपना काम खुद ही करूँ तो बेहतर रहेगा। मुझे आपसे इजाजत लेनी थी, मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें देखने के लिए जाना चाहती थी, तो मैंने सोचा पहले आपकी इजाजत ले लूं। जब मैं तुझे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार ही नहीं हूं तो तू क्यों तुली हुई है मुझे अपनी सास बनाने के लिए, जरा बता ना। वैसे भी मेरा क्या तलक है तेरे मामलात से, और अगर तुझे इतना ही एहसास है मेरा तो बहन ये ले, जा अपनी माँ के घर और वापस ना आई। माचिस कहाँ है? हसीना मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे ऑफिस के टाइम पे डिस्टर्ब मत किया करो। नहीं वो मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, मैंने मैसेज किया ना आपको कल रात, 3 मैसेज किए, आपने वो भी नहीं पढ़े तो मजबूरन फोन करना पड़ा मुझे, मैंने सोचा आप घर आएंगे तो। मैंने तुमसे वादा तो नहीं किया था हसीना कि मैं रोज ऑफिस जाने से पहले तुम्हारे पास हाजिरी लगवाऊंगा? नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस इसलिए इंतजार कर रही थी कि आप घर आ जाते तो मैं आपको बताती कि मेरी तबीयत कितनी खराब है, डॉक्टर के पास जाना है मुझे। खैरियत? क्यों क्या हुआ है? बस दिल घबरा रहा है, जिस्म ठंडा पड़ गया है, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही, दिल बैठा जा रहा है, शायद बीपी लो हो गया है, हिम्मत भी नहीं हो रही डॉक्टर के पास अकेले जाने की। अच्छा तुम फिक्र मत करो, बहुत गर्मी है ना इसलिए हो गया होगा। मैं जाहिद से कहता हूँ कि वो टाइम निकाल के तुम्हारे पास आ जाए, वो तुम्हें डॉक्टर पे ले जाएगा। जाहिद? पहले तो आप जाहिद को मेरे हर काम के लिए इसलिए भेजते थे क्योंकि आपको बात खुल जाने का डर था, आपकी बीवी नजर रखती थी हर बात, बेहिसाब रखती थी हर बात का, अब क्या डर है आपको, अब तो सब कुछ पता है सबको, नजर रखना तो दूर की बात, वो आंख भी उठा के नहीं देखना चाहती आपकी तरफ, तो फिर जाहिद क्यों? आप क्यों? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा बिजी था एक्चुअली, अगर फ्री हो भी गया तो काफी लेट हो जाऊंगा। मैं चाह रहा था कि तुम फौरन डॉक्टर के पास चले जाओ क्योंकि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, अगर आप नहीं आएंगे ना तो मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जाऊंगी।
नहीं जाना मुझे। साफ मना कर दिया। सही किया। हम तेरी तो वैसे भी लैला के साथ कहाँ बनती है। तू कुछ कहेगी तो उसने उसका गलत मतलब लेना है। वो यही समझेगी कि तू आसिम और जाहिद के साथ मिली हुई है। खुदा गवाह खाला जी, इस बात पर ना मैं लैला के साथ खड़ी औरत हूँ आखिर। और बस इस चक्कर में तो जाहिद को भी दो चार सुना दी। वैसे तुझे तो कोई मौका चाहिए जाहिद को सुनाने का। ये नहीं तो कोई और बात, कोई ना कोई बहाना तो तुझे मिल जाना है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। वालेकुम सलाम। रुबीना मैं ना एक काम से बाहर जा रही हूँ, संभाल लोगी इसे? हाँ हाँ क्यों नहीं। दूध मैंने इसे पिला दिया, ये अब सो जाएगा। हाँ और मैंने एक फीडर इसका तैयार करके वार्मर में भी रखा हुआ है, और वैसे भी दो घंटे से पहले मैं आ जाऊंगी। हाँ ठीक है। शुक्र है लैला, तू कमरे से तो बाहर निकली है और घर से बाहर जाने का सोचा है। खैर से कहाँ जा रही है, भाई के यहाँ? नहीं अम्मी जी, वहाँ जाने को अब दिल नहीं करता। हर कोई बस हमदर्दी और तरस ही दिखाता रहता है। मेरे काम का बहुत हर्ज हो गया, मैंने कहा थोड़ा सा ध्यान उस पे दे दो। काम? हाँ मेरा केटरिंग वाला काम। अरे लैला मैंने तो सोचा था तेरा शौक उतर गया होगा, तेरे सर से ये भूत खत्म हो गया होगा। हैं? इतने दिन इसीलिए तो तूने जिक्र ही नहीं किया। मैं ये बात इस तरह करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बात आपने सही की। शौक ही था मेरा जो पूरा होने ही वाला था, लेकिन आपको पता है फिर क्या हो गया। अब ये काम मेरे लिए शौक नहीं रहा, मेरी जरूरत है। मैं हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठी रह सकती ना। अपने आप को ही नहीं देखना, मेरे पे मेरे बेटे की भी तो जिम्मेदारी है। अरे लैला पुत्र तो ऐसी बातें कर रही है, हम तुझे बहू नहीं बेटी मान रहे हैं, तू इस तरह से गैरों वाली बातें कर रही है। खुदा की कसम मम्मी, मैं बेटी बन के इस घर में रह रही तो क्या बेटियां अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं उठा सकती? मैं काबिल हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मुझे बहुत अच्छा काम करना आता है, आप फिक्र क्यों कर रही है? और इन हालात में आपको क्या लगता है मैं आसिम से एक रुपया भी लूंगी या अपने बेटे पे खर्च करूंगी? मेरी तरफ देखें, मैं वाकई इस घर में आपकी बेटी बन के रह रही हूँ, पर इसका यह मतलब नहीं अम्मी जी कि मैं आप लोगों पे बोझ बन जाऊं। मियाँ जी को पता चलेगा ना तो बड़ा गुस्सा करेंगे। अम्मी जी, अब्बा जी ने मुझे बहुत खुले दिल से इजाजत दी है। वो पुरानी बात है पुत्र, मगर अब जो तू वजह बता रही है ना, जब उसका पता चलेगा उन्हें तो उनको गुस्सा भी आएगा और उनका दिल भी बड़ा दुखेगा। मैं मना लूंगी उन्हें, तुम ख्याल रखना है, हो सकता है मैं दो घंटे से जरा सी लेट हो जाऊं। फिक्र न करो, मैं देखूंगी। मुझे पता है। अब मैंने इससे कोई सख्त बात नहीं की क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये दुखी है, और दुखी इंसान जो होता है ना उसको कोई बात भी बहुत ज्यादा सख्त लगती है। मेरी माने खाला जी, आप ना बस चुप ही रहे, लैला को भी देखे ना चुप ही कर गई। इसकी जगह कोई और औरत होती ना तो इतनी खप डालनी थी ना मीना के साथ, पता नहीं क्या सौतन को बद दुआएं देती, ससुराल वालों को बुला के नया तमाशा खड़ा कर देती। पर लैला चुप करके अपना सारा गम पी गई, तो कितनी अच्छी बात है, घर से बाहर निकलेगी ध्यान ही बटेगा, तेरे भी बैठ जाए। हाँ ये भी ठीक है, दुख बांटने से हल्का हो जाता है, और बंदा मसरूफ होना तो गम भी जरा कम लगता है। मगर ये जो बात इसने की ना, बोझ उठाने वाली, जब मियाँ जी को ये बात पता चलेगी ना बहुत गुस्सा आएगा उनको। तो ये बात आप करना ना खालू जी से, आपकी बात पर गुस्सा थोड़ी करेंगे।
की शक्ल देख कर तो वैसे ही उनका दिल मोम हो जाता है खाला जी। मोम करती है खाला जी। हाय वाकई सच सच बोल रहे हैं ना शफीक भाई। बड़ी खुश हूँ। आप कह रहे थे आपका प्लान बन रहा है, मुझे नहीं पता था कि आपने टिकट ही कटा लिया है। हे हाँ हाँ जरूर सौ बिस्मिल्ला। आपको जब मैंने कहा था, मैंने सच्चे दिल से कहा था, बहनों आपकी मेरा घर आपका घर। मैं समझी नहीं कौन सी सिचुएशन खराब हो जाएगी। हाय शफीक भाई खुदा के लिए बता दें, क्या मतलब आप आकर बताएंगे, तब तक तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। आपको पता है मुझे कोई सब्र नहीं है।